एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक अनूप शहर में स्थित तेलिया नगला गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 45 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रूप सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3500 की आबादी एवं 1400 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 337 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 115 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 21 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा एक हैंडपंप रिबोर कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, यात्री सेट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं रूप सिंह, ग्राम प्रधान तेलिया नगला, जिला अनूप शहर। मेरे गांव में अब तक 120 सरकारी शौचालय बन चुके हैं और 50 शौचालय मैंने HDFC बैंक एवं आरओ फाउंडेशन से बनवाए हैं। और आरओ फाउंडेशन और HDFC बैंक से 15 सोलर लाइट, एक आरओ वाटर प्लांट लगवाया है। गांव में 2 गलियां बड़ी बड़ी मैंने इंटरलॉकिंग कराई हैं। 400 मीटर लगभग मैंने नाला बनवाया है और लगभग 100 मीटर एक नाला और बनवाया है। अभी मुझे 1000 मीटर सीसी तक की आवश्यकता है गांव के अंदर। एक मुझे आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत घर मिलना चाहिए, गरीबों के लिए मिलने चाहिए। वर्तमान में तो फिलहाल इतना ही। हाँ, मानदेय प्रधानों का बहुत कम है, 3500 रुपये में कुछ नहीं होता है। इसमें तो लोग जो आने जाने वाले हैं उनका चाय का खर्चा भी नहीं चल पाता है। मानदेय भी कम से कम प्रधानों को 10000 रुपये होना चाहिए।